नमस्कार, मैं हूं आपके साथ खुशबू सिंह। स्वागत है आपका युग चरण में। आइए नजर डालते हैं इस वक्त से जुड़ी कुछ बड़ी खबरों की ओर। अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा ने चांद पर रूस के लूना 25 की क्रैश लैंडिंग साइट ढूंढ ली है। उनका दावा है कि जहां यान टकराया था वो 10 मीटर चौड़ा गड्ढा हुआ। नासा ने इसे लेकर 2 तस्वीरें भी जारी की है। दरअसल नासा के लूनर रिकॉन्सेंस ऑर्बिटर अंतरिक्ष यान ने 24 अगस्त को चंद्रमा की सतह पर एक नया गड्ढा देखा था। गड्ढा लूना 25 के अनुमानित इम्पैक्ट पॉइंट के करीब है। ऐसे में एलआरओ टीम ने निष्कर्ष निकाला कि ये प्राकृतिक प्रभाव के बजाय उस मिशन से होने की संभावना है। स्पेस एजेंसी रॉसकॉस्मोस ने बताया था कि 19 अगस्त की शाम 5:27 पर उसका स्पेसक्राफ्ट से संपर्क टूट गया था। प्री लैंडिंग ऑर्बिट बदलने के दौरान इसमें गड़बड़ी हुई थी। लूना 25 के फ्लाइट प्रोग्राम के मुताबिक प्री लैंडिंग कक्षा में प्रवेश कराने के लिए कमांड दिया गया था। उन्होंने बताया कि ये कमांड भारतीय समय के अनुसार 19 अगस्त दोपहर 4:30 दिया गया था। इस दौरान लूना पर इमरजेंसी कंडीशन बन गई क्योंकि स्पेसक्राफ्ट एक्चुअल पैरामीटर के अनुसार थ्रस्टर फायर नहीं कर पाया। शुरुआती एनालिसिस के नतीजों से पता चलता है कि कैलकुलेशन से जो पैरामीटर सेट किए गए थे उन पैरामीटर से स्पेसक्राफ्ट डेविएट हो गया। कैलकुलेटेड वैल्यू जितनी चाहिए थी ये उससे ज़्यादा थी। इसमें थ्रस्टर ज़्यादा देर के लिए फायर हुए और स्पीड कम होने से स्पेसक्राफ्ट एक ऑफ डिज़ाइन ऑर्बिट में चला गया और चांद पर क्रैश हो गया। दिल्ली में G20 समिट को लेकर सड़कों के किनारे शिवलिंग के आकार वाले फव्वारे लगाने पर लेफ्टिनेंट गवर्नर वीके सक्सेना ने सफाई दी। उन्होंने कहा वो सिर्फ सजावट की चीज है, शिवलिंग नहीं है, देश के कण कण में भगवान है। शुक्रवार को पालमीरा के उलान बतार में यक्षिणी की मूर्तियों का अनावरण के बाद LG ने कहा, हमारे डेलीगेट्स इस रास्ते से होकर गुजरेंगे, हमने यहाँ यक्षिणी की मूर्तियाँ लगवाई है, आप इसे देवी कहेंगे, कहने को कुछ भी कहा जा सकता है। LG सक्सेना ने आपके आरोपों को बचकाना व्यवहार करार दिया। उन्होंने कहा, आप हर चीज को वैसे देखते हैं जैसे आप देखना चाहते हैं। यक्षिणी भगवान कुबेर की कीमती चीजों की रक्षा करती है। इन मूर्तियों को प्रतीकात्मक संकेत के रूप में स्थापित किया गया है। दिल्ली में 9-10 सितंबर को G20 समिट मीटिंग होने वाली है। इसमें अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक समेत कई ग्लोबल लीडर्स के शामिल होने की चर्चा है। ऐसे में राष्ट्रीय राजधानी को सुंदर बनाने के लिए कई अलग अलग तरीके अपनाए जा रहे हैं। इसी के तहत पालम एयरपोर्ट के टेक्निकल एरिया में हनुमान मंदिर जंक्शन पर शिवलिंग के आकार के 18 फव्वारे लगाए गए हैं। आम आदमी पार्टी ने इस पर आपत्ति जताई। शुक्रवार 1 सितंबर को आपने LG सक्सेना के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। प्रवर्तन निदेशालय यानी ED ने शुक्रवार देर रात मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जेट एयरवेज इंडिया लिमिटेड के फाउंडर नरेश गोयल को गिरफ्तार कर लिया। उन्हें पूछताछ के लिए ED के मुंबई ऑफिस बुलाया गया था। इसके बाद ये गिरफ्तारी हुई है। उन पर 538 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप है। गोयल को आज 2 सितंबर को स्पेशल PMLA कोर्ट में पेश किया जाएगा। ED हिरासत की मांग करेगी। इससे पहले ED ने उन्हें 2 बार पूछताछ के लिए बुलाया था लेकिन वो पेश नहीं हुए। पिछले साल नवंबर में कैनरा बैंक ने नरेश गोयल उनकी पत्नी सहित अन्य के खिलाफ धोखाधड़ी की शिकायत की थी। इस शिकायत के बाद मई 2023 में CBI ने फ्रॉड केस दर्ज किया। बाद में ED ने भी मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज कर लिया। प्रासान के सरकारी स्कूल में टीचर बनने का सपना देख रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। प्रासान कर्मचारी चयन बोर्ड ने शिक्षक भर्ती परीक्षा लेवल 1 की प्रोविजनल लिस्ट जारी कर दी है, जिसके तहत एक बार फिर अभ्यर्थियों को सिलेक्शन तक पहुंचने का मौका दिया जाएगा। दरअसल राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा गुरुवार शाम शिक्षक भर्ती परीक्षा लेवल 1 का फाइनल रिजल्ट जारी किया गया था, जिसमें 21,000 पदों पर महज 19,086 अभ्यर्थियों को सेलेक्ट किया गया था। इनमें नॉन TSP के 19,192 पदों पर महज 17,685 अभ्यर्थियों का सिलेक्शन हुआ है, जबकि TSP में 1,808 पदों पर 1,401 अभ्यर्थियों का सिलेक्शन हुआ है। वहीं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कमी के चलते बोर्ड द्वारा 1,481 अभ्यर्थियों की प्रोविजनल लिस्ट में शामिल किया गया है, जिन्हें अगले 7 दिनों में कर्मचारी चयन
बोर्ड मुख्यालय में एक बार फिर डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराने का मौका दिया गया है। राजस्थान में सत्ता परिवर्तन के लिए बीजेपी की परिवर्तन यात्राओं का आज से शुभारंभ होगा। पहली परिवर्तन यात्रा को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा सवाई माधोपुर से हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। वहीं खुद कुछ किलोमीटर तक रथ पर सवार होकर यात्रा में भाग लेंगे। यात्रा के शुभारंभ से पहले प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, प्रदेश प्रभारी राज्यसभा सांसद अरुण सिंह, विपक्षी नेता राजेंद्र राठौर, यात्रा संयोजक अरुण चतुर्वेदी, टोंक सवाई माधोपुर सांसद जौनापुरिया ने त्रिनेत्र गणेश मंदिर में पूजा अर्चना की। यात्रा से पहले सवाई माधोपुर के दशहरा मैदान में जनसभा होगी, जिसे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा संबोधित करेंगे। दरअसल बीजेपी सितंबर महीने में प्रदेश में 4 परिवर्तन यात्राएं निकालने जा रही है। ये यात्राएं पूर्व में त्रिनेत्र गणेश मंदिर, पश्चिम में रामदेवरा, उत्तर में गोगा मेडी मंदिर और दक्षिण में बिणेश्वर धाम से निकाली जाएगी। चारों दिशाओं से निकलने वाली ये यात्राएं प्रदेश के कुल 200 विधानसभा सीटों को कवर करेंगी। इस दौरान चारों यात्राएं कुल 8,982 किलोमीटर का सफर तय करेंगी। यात्रा के संयोजक पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी ने कहा, ये यात्रा 18 दिन में भरतपुर व जयपुर संभाग और टोंक जिले से होते हुए 1847 किलोमीटर का सफर तय करेगी। यात्रा का समापन जयपुर शहर में होगा। पहली यात्रा प्रदेश के 47 विधानसभा सीटों से होकर गुजरेगी। इन रथों पर 5 नेताओं के फोटो होंगे। इसमें एक तरफ पीएम नरेंद्र मोदी और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की फोटो होगी, वहीं दूसरे छोर पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ की फोटो लगी होगी। सभी रथ एक जैसे होंगे। बताया जा रहा कि एक रथ वही है जिसमें कभी वसुंधरा राजे के नेतृत्व में प्रदेश में गौरव यात्रा निकाली गई थी। इसके अलावा 3 रथ और तैयार करवाए जा रहे हैं, जो यात्रा से एक दिन पहले शुभारंभ स्थल पर पहुंच जाएंगे। ऐसी तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और यूं ही बने रहिए युग चरण के साथ।